एनटीपीसी विंध्याचल में बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 के तहत तैयारी कल की का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि एनटीपीसी और विकास एक दूसरे का पर्याय है। एनटीपीसी विद्युत उत्पादन के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम लगातार कर रहा है। मैत्री सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार, एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना प्रमुख सुभाष चंद्र नायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने एनटीपीसी की तारीफ की। वहीं एनटीपीसी विंध्याचल प्रमुख सुभाष चंद्र नायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बालिका सशक्तिकरण अभियान वर्ष 2018 के सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बालिकाओं को सशक्त बनाकर रोल मॉडल के रूप में तैयार करना है। वर्ष 2018 बैच की बालिकाएं आज 10वीं पास कर 11वीं में प्रवेश कर चुकी हैं, जो बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से ये बालिकाएं समाज में अपना नाम रोशन करेंगी। नायक ने कहा कि एनटीपीसी न सिर्फ देश की बिजली बनाकर प्रकाशित करने का कार्य कर रहा है, अपितु अपने सीएसआर विभाग के माध्यम से एनटीपीसी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का भी काम कर रहा है। कमांडेंट श्री बलियान श्री राजीव अगोडकर जी एचओपी शक्तिनगर, सुहासिनी संघ के प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती नायक मैडम और सभी आदरणीय सदस्य, हमारे एनटीपीसी के जीएम श्री विश्वास साहब एवं सभी जीएम के जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं, हमारे पीआरओ साहब और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डीपीएस डीपॉल सरस्वती शिशु मंदिर के सभी आदरणीय प्रिंसिपल साहब एवं सभी शिक्षक उपस्थित, बच्चों के अभिभावक और प्यारे बच्चों, जैसा कि ये कार्यक्रम की अवधारणा है, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। अभी जैसे ईडी साहब ने बताया था कि 2018 से कार्यक्रम शुरू हुआ था और हमने उसके एक कक्षा 11वीं में और कक्षा 7वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सुना था, वो कॉन्फिडेंस बताता है और उसकी सार्थकता को स्पष्ट भी करता है कि कितना अच्छा प्रोग्राम आपने लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनटीपीसी के बारे में जो बात है कि सिंगरौली को मतलब एनटीपीसी और सिंगरौली एक दूसरे को पर्याय के रूप में यहाँ पर जानते हैं और एनटीपीसी को लोगों ने यहाँ के लोगों ने उसी तरह से स्वीकार किया है। मैं लोगों से जब भी बात करता हूँ तो इश्यू होता है तो ये बोलते हैं कि नहीं हम सब एनटीपीसी में सर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमको पूरी चीज मदद मिल जाएगी, मतलब इतना विश्वास है, इतना प्रशासन पर विश्वास है, इतना एनटीपीसी पर भी यहाँ पर विश्वास है और उसी विश्वास के को इस तरह के कार्यक्रम और भी अच्छा उसको सुदृढ़ करते हैं। इस बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है, लास्ट टाइम 2022 में हम लोग का जब जिन प्रोग्राम के लिए इन उनका इंडक्शन हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारी बच्चे का मुंह से मैं कुछ पढ़ पा रहा था, जैसे मैं घर छोड़ के इधर आए हैं उतना खुश नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है ये बच्चों में मेरे को बहुत बदलाव देखने को मिला है। उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट, मेरा हृदय को पूरा तृप्ति प्रदान किया है। मेरे को ये लगा कि कम से कम जो पिछला बार जो प्रोग्राम हुआ था वो भी तो समाज में गया होगा, उनका गांव में गया होगा, उन्हीं से प्रेरित होकर ये लोग अभी खुशी खुशी इसमें यहाँ आने आए हैं और इसमें भूमिका स्वास्थ्य संघ का सबसे ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि एक औरत जो है, एक बच्ची का जो है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनका चाहते हैं, भोलीगंती जानते हैं, ये लोग बेखूबी उसको निभाए हैं, इसीलिए शायद
बच्चे लोग का इतना कॉन्फिडेंस है, लोग 113 बच्चे जो आए हुए हैं उसी के लिए आए हुए हैं। पिछला साल शायद 108 बच्चे थे हमारा, इस बार 113 है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं उनके जो अभिभावकगण है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एटीपीसी विंध्याचल के ऊपर इतना जो भरोसा जताया है, विश्वास रखे हैं, उनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।